हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं रेंट सिमुलेटर में। लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने ये वाली वुड फैक्ट्री बनाई थी जो वहां पे है, और ये बहुत सही लग रही है। मुझे ऐसा लगता है इसके ऊपर भी थोड़ी सी लाइटिंग हो जाती है ना, रात के टाइम पे ग्लो करता। मैंने स्पेशली अभी इस वीडियो के लिए सारी लाइटिंग ऑन करी, एक एक जगह जाके मतलब ऐसा ना नॉर्मली होता नहीं है, लाइट ऑन करने का मौका मिलता ही नहीं है। मैं लाइट्स तो लगा देता हूँ, लेकिन होता क्या है कि जब भी गेम बंद करता हूँ तो लाइट्स ऑफ हो जाती है, और दोबारा जब गेम ऑन करता हूँ तो इतनी लाइट कौन जलाए चक्कर में रह जाती है, तो कभी लाइट जलाने का मौका मिलता ही नहीं है। आज मैंने सारी लाइट्स जलाई और बहुत अच्छा सा लग रहा है। देखो क्रिसमस का टाइम भी आने वाला है, यहाँ पर हमारे जो ट्री सजा हुआ है इसकी वजह से ही मैंने लाइट्स जलाई। यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले, आज मेरे पास जितना भी कुछ है मैं सोच रहा हूँ कि उसको सारा सेल कर देते हैं और देखते हैं कि कितना इनकम होती है उससे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मतलब हद ही पार होने वाली है आज, क्योंकि इतना सारा आइटम मैंने कभी बेचा नहीं। मेरा टीवी ऑन रह गया क्या? देखो तब से ऐड आ रखी इसमें। इसको बंद करते हैं और अभी ना अभी हम लोग सो जाते हैं, उसके बाद हाँ ये फायर इसको गिफ्ट ओपन कर सकते हैं। हम लोग गिफ्ट ओपन करके देख सकते हैं। ओके ये सब वो सारी चीजें हैं, अभी हम इनको जला लेते हैं। किसी में कुछ मतलब ओ नहीं ये इसको मैं क्या करूं अभी? अरे यार रुक जाओ, ये तो मेरे पास जगह है ही नहीं इसको रखने की। अभी तो मेरे पास चिकन कूप वगैरह कुछ भी नहीं है। तू एक सेकंड यहाँ पे ना इधर चले जाओ अभी। यार मैं क्या करूं अभी, बेचारी मर जाएगी यार ये तो। नहीं इसको ना ऐसे नहीं छोड़ते, इसको यार छोड़ देता हूँ, अपने आप जाएगी जहाँ जाएगी। अब तो गिफ्ट ओपन करने से भी डर लग रहा है कि किसी में कुछ भी हो सकता है। ये देखो धान की बोरी है, मेरे को बस ये जलाना एक बार और थोड़ा सा मजा आ जाएगा इसको जला के। उसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट्स हैं यहाँ पे। अरे वाह बहुत सही लग रहा है। ओके तो अभी ना आप सो जाते हैं, हम लोग कल सुबह उठेंगे और उसके बाद से वापस अपने काम पर लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम है। चिकन कूप भी मेरे को बनाना है और मेरे को और सारे काम करने हैं जो हम लोग बाद में करेंगे। अभी आज हम लोग ना थोड़ा बहुत अपना आसपास का एरिया सही करने वाले हैं और हम लोग मेनली सेल करने वाले, क्योंकि सेल करना इतना आसान नहीं होने वाला है। बहुत सारा सामान है तो उसको सेल करने में टाइम तो लगने वाला है, वही हम लोग करने वाले हैं। एक चीज मेरे को ट्राई करना है पहले। बहुत सारे लोगों ने ना कमेंट किया था कि हम लोग इसमें भी हम लोग लॉग वगैरह रख सकते हैं, तो मुझे तो लगा यार मतलब अगर ऐसा है तो ये तो बहुत सही चीज़ हो जाएगी इसमें अगर हम लोग लॉग रख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लैंक रखने का आता है जहां तक मेरे को पता है। अगर लॉग रखने का भी होगा तो बहुत सही हो जाएगा। अभी ये ट्री कट करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि सच में एक्चुअल में ऐसा करता भी है नहीं करता, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा होता होगा। ओ नाइस यार, ये बहुत सही चीज है। ओके मेरे को लगा नहीं था कि इसमें लॉग भी रख सकते हैं करके, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो इसीलिए कमेंट पढ़ने से इतना फायदा हो जाता है मेरे को, और आप लोग कमेंट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अब जाके अंदर चलते हैं और कुछ ना कुछ तो मेरे को करना चाहिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि इनको इधर शिफ्ट कर दूं इस वाले में और यहाँ पे हम लोग लॉग रख लेते हैं। इसमें भी अभी आने वाला है, वैसे आ जाएगा। ओके इसमें आ गया काफी सारा, तो यार ये बहुत सही चीज है। अभी फिलहाल के लिए इसी में रख देते हैं, बाद में देखते हैं इसको कहीं और रखते हैं। वैसे भी यहाँ पर भी ठीक है, मतलब ऐसा खराब नहीं है, क्योंकि मेनली ये क्या है ना डेकोरेशन के लिए, इनको मैं ज्यादा यूज नहीं करने वाला। जो यूज होंगे वो तब होंगे जब बनेंगे नए, तो अभी इतना तो हो चुका। अब मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें नहीं रख पाऊंगा, अलग से मेरे को निकालने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग ना, थोड़ा सा लकड़ी निकाल के यहाँ पर रख लेते हैं जो बाद में हमारे काम आ जाएगा। आज तो कोई ऐसा वुड का हमको बनाना है नहीं, तो आज कोई ऐसा काम होने वाला है नहीं। ठीक है, लास्ट टाइम पर मैंने अपनी फैक्ट्री चलाई भी नहीं थी, तो एक बार हम लोग चला के भी देख लेंगे। और मेरे को लगता है कि यहाँ पर लगा लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मेरे को। एक बार देखना है पूरा भर के कि कैसा होगा, बट मुझे ये लग रहा है कि शायद हमारे पास उतने लॉग होंगे नहीं, क्योंकि लॉग ना इसमें ज़्यादा आएंगे। किसमें कितना आ रहे हैं? 42 आ रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि 42 होने वाला है, बट ये दिख बहुत अच्छे रहे हैं इसमें। बहुत सही दिख रहे हैं, फटाफट से रखते हैं साथ। ओ मेरे को लगा था कि कम पड़ जाएंगे, लेकिन ये तो पूरा भर चुका और अच्छा दिख रहा है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये थोड़ा कॉर्नर वाला हो गया ना, लेकिन सही यार बहुत सही लग रहा है मेरे को देखने में। और अभी हम लोग मशीन चला के देखेंगे और एक ये लगा लेते हैं। चलो थोड़ा मशीन चला के तो देखना ही चाहिए ना कि चल रही नहीं चल रही प्रॉपर तरीके से। चल रहा है, सब कुछ सही है। ओके अब इसको कर देते हैं बंद। तो यह हमारा काम तो हो चुका है, बस लाइट्स का यही है। देखो अभी मैंने ऑन कर रखी तो ऑन रहेंगी। बहुत सारे कमेंट ये भी आए थे कि आपने विंडो नहीं लगाई, तो मैंने जानबूझकर उसको छोड़ा हुआ है, ताकि जो फैक्ट्री वाला थोड़ा सा लुक होता है ना कि यार लाइट्स वगैरह उसमें ऊपर की जो विंडो होती है वो खराब खुलती नहीं है या फिर टूटी फूटी रहती है, वो लुक देने के लिए करा था। मेरे को लगता है अगर यहाँ ऊपर कहीं पर लाइट्स लग जाते ना, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल काम है यार। कुछ ऐसा स्टूल वगैरह चेयर वगैरह, चेयर तो नहीं बट हाँ स्टेयर वगैरह कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए थी, बट नहीं है हमारे पास अभी। और ये देखो ये टमाटर नहीं है, ये है बेल पेपर है, उनके ढेर देखो कितने लगे हुए। मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा चट्टर सा लगा लूं, लेकिन नहीं हो पा रहा था, उतना सही से हो नहीं पाएगा। और देखो पाइनएप्पल मेरे पास बहुत सारे हो रखे हैं, अभी मेरे को थोड़े से हार्वेस्ट भी करने हैं, तो इनको हार्वेस्ट भी कर लेता हूँ। उसके बाद आज हमको पाइनएप्पल भी बेचने हैं,
पहले मुझे लग रहा कि एक बार में ना मैं सिर्फ पाइनएप्पल बेच पाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि इतने कूलर हम लोग ले जा पाएंगे। मैं ट्राई करूंगा कि ट्रेलर लेके ना उसमें हम लोग सारे रखने वाले हैं, पहले ये सब हार्वेस्ट कर देते ताकि अभी तक तो एक भी पेड़ खराब नहीं निकला। ओके तो दोबारा भी हो जाएंगे। ओके अब मेरे पास शायद सीड तो है वैसे लगाने के लिए, बट पेड़ ये देखो एक खराब निकल गया ना, ऐसे खराब निकलता है ना तो अच्छा नहीं लगता इसको देख के, फिर मजबूरी हो जाती है इसको हटाना ही पड़ता है, फिर दोबारा से सीड होगा वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है। अभी मैंने कंपोस्ट भी डाल रखा है, फर्टिलाइजर डाल रखा है मैंने बहुत सारे प्लांट्स में, और हमारे पास पाइनएप्पल का तो ढेर ही हो चुका है यार। मुझे ना सिर्फ एक बार पाइनएप्पल सेल करके देखना है कि कितने पाइनएप्पल हम लोगों ने इकट्ठे कर रखे। मेनली मेरे को सेल से ज़्यादा उसको गिनने का है कि कितना हो रखा है, क्योंकि हमने बहुत लगा रखे हैं, उस हिसाब से फिर हम लोग आगे की खेती करेंगे अपनी। अब ज़्यादा खराब निकल रहे हैं, जो भी खराब हो रखे ना उनको एक बार जल्दी से लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास सीड्स हैं यहाँ पे, तो दोबारा जब हम लोग आएंगे वापस तो तब तक ये हो चुके होंगे। ओके गाइस, तो मैंने सारे जो सीड थे वो लगा लिए, मतलब जो भी हमारे जो प्लांट थे पाइनएप्पल को खराब हुए थे उनको फिक्स कर लिया है। और अब हाँ, मेरे को आज ना बहुत सारे बैरल लेके आ रहे, मैंने तब से हनी नहीं निकाला यार। मैं सोच रहा हूँ कि एक ना हम लोग राउंड, मैंने उसमें रखा भी हुआ था, एक हम लोग राउंड लगाते और हम लोग बी हाइव सर्च करते, अगर बी हाइव मिलता है ठीक है, बी हाइव लेके आते हैं, हनी को निकाल के रख लेते हैं, उसके बाद हमारा जो काम बचेगा वो सेल करने वाला बचेगा, तो तब जाके हम लोग एक एक करके सेल करना स्टार्ट करेंगे। मेरे पास मीट वगैरह भी बहुत सारा है, तो पहले हम लोग पाइनएप्पल सेल करेंगे और उसके लिए बहुत सारे कूलर लेके आने पड़ेंगे। कूलर है ही नहीं मेरे पास, जितने भी कूलर है सब में कुछ ना कुछ रखा हुआ है, तो पहले पाइनएप्पल लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग ये वाला काम भी और जो बाकी सारी चीज़ें वो बेचेंगे। और जब बाद के एपिसोड्स आएंगे ना उसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें कस्टम बिल्ड करनी सारी की सारी, तो मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके से कैसा बिल्ड करा जाए। आप लोगों के पास कोई सजेशन होगा तो आप लोग कॉमेंट करके मेरे को बताना कि यार, जैसे मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हम लोग ना, ओह गाड़ियाँ कितनी जा रही, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हम लोग एक जो एनिमल बार्न होगा वो ऐसा बिल्ड करें कि यार देखो, पहले तो हमको लिमिट में रखने हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं कि ढेर सारे बहुत बड़ा बना दो और ढेर सारे काव रख दो, वो नहीं चलने वाला क्योंकि लैग हो जाता है। तो मेरे को वो करना है कि मतलब ऐसा हो कि मेरे को जैसे चिकन कूप समझ लो, कि चिकन कूप ऐसा हो कि मेरे को यार एग निकालने में भी ईजी हो, और चिकन कूप एक तो ऑटोमेटिक वाला बनता है जो ब्लू प्रिंट हमारे पास तैयार रहता है, वो मुझे नहीं बनाना है, मुझे कस्टम बनाना है। या फिर ऐसा भी मैंने सोचा हुआ है कि यार कस्टम के अंदर ना हम लोग ऐसा ऑटोमेटिक वाला, लेकिन ऐसा प्रॉपर सिस्टम हो कि यार हमको अंडे निकालने में आसानी हो, और अगर हम लोग चाहें तो उनको ब्रीड भी करा ले, वहीं पे मुर्गे भी होएगी जगह पे, ऐसा कुछ सोच रखा है, देखते हैं कि कैसा बन पाता है। अभी मैं डिजाइन सोच रहा हूँ कि कैसा बनना चाहिए। वैसे मुझे ना यहाँ पे दो तीन बार तो अच्छा खासा बीहाइव मिल चुका है, इस बार मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं पता। यहाँ पे एक बेचारा ये पड़ रखा है, इसको स्किन कर लेते हैं एक बार। मैं सोच रहा हूँ कि पैदल घूम के आ जाऊँ क्या यहाँ पे, बीहाइव ना नजर नहीं आ रहा मेरे को, यहाँ पर दिखे तो थे उस टाइम पे, आज पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ऐसा हो चुका है ना बहुत बार, कुछ मैंने ज़्यादा ही तारीफ कर दी कि यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं। ओ भालू है, आज तो मेरे को लग रहा है शिकार करना पड़ेगा हमको, हमेशा इग्नोर करता हूँ मैं इसको, आज लेकिन करना पड़ेगा। अभी दिख रहा है मेरे को, मैं देख रहा हूँ कि क्या मेरे पीछे भाग के आएगा, अभी देखा नहीं उसने, सुनाई भी ओ नहीं शिट, भागो ऐसे भागो, नहीं मार डालेगा मार डालेगा, और डरा दिया उसने अभी के लिए मेरे को, डरा दिया था मेरे को, देखो ऐसा कैसा हो गया बिल्कुल ही, मेरे को ऐसा लगा था कि मार डाला इसमें मेरे को भी, मतलब एक दो बार अगर होता ना मैं रिलोड कर, ओ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ओके 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 मिल चुका है ओके। मेरे को लगता है यहाँ तो पक्का गारंटीड मिल ही जाएगा, अब अपनी गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी ये नहीं पता है, क्योंकि ओ मिल गए अपनी गाड़ी भी ना ग्रीन कलर की है, ओ एक यहाँ पर भी है यार, मेरे को लग रहा है कि परमानेंट स्पॉट है क्या ये, यहाँ तो पक्का इस एरिया में मिलना ही मिलना है, दो मिल चुके इतनी आसानी से। ये जो तैयारी चल रही है ना, ये तैयारी चल रही है बहुत बड़े बी फैक्ट्री की, तो बी फैक्ट्री के लिए मेरे को बहुत सारे बीहाइव इकट्ठे करने होंगे, तो मैं धीरे धीरे करके कर रहा हूँ। यहाँ वाला बीहाइव कहाँ था, ये है, इसीलिए मैं दो लेके आया था, मुझे लगा पहले से पता था कि यहाँ पर मिलने वाले हैं और दो मिलेंगे, तो मैं दो ही यहाँ पर बी फ्रेम लेके आ रखा हूँ, बीहाइव फ्रेम, और अब हम इसको ऑन कर लेते हैं और सारे के सारे जो बीज हैं उनको अपनी मुट्ठी में कैद कर लेते हैं। चलो अभी मेरे पास वहाँ पर एक छोटा सा फार्म ना आज बना लूँगा फिलहाल के लिए, ऐसे ही चला के चलाते हैं गाड़ी को। यहाँ से गायब हो रहे हैं या फिर वापस उसी में लग जा रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या पता अपडेट के बाद ऐसा कुछ हो गया हो, क्योंकि पहले ऐसा था कि यार वहाँ से ना बी गायब हो जाते और दोबारा उस जगह में तो मिलते ही नहीं थे, लेकिन ये वाली जो जगह है ना सीक्रेट लोकेशन है जो सिर्फ आपको और मुझे पता है, और यहाँ पर हमको बहुत सारे बी हाइव्स मिल रहे हैं। वो वाला किधर चले गया, मेरे को मार्क कर लेना चाहिए था, मैं सोच रहा था मार्क कर लूँ लेकिन मैंने किया नहीं, इधर कहीं पर था शायद यार, वो अभी अभी कहाँ गायब हो चुका मुझे तो दिख ही नहीं रहा, मैंने ना मार्क ही नहीं किया उसको यार, मुझे लगा कि इतना आसान है और मैं भटक गया मेरे को पैदल जाना पड़ गया, तो कहीं और ही निकल आया मैं, इधर कहीं पे ही था यार जहाँ मुझे याद है, मेरे को साउंड भी, एक तो अपनी गाड़ी से भी साउंड आ रही तो पता नहीं चल पा रहा ना कि किधर है, इधर कहीं पे था शायद वो,
अब मेरे को दिखा ना तो मार्क कर दूंगा उसको मैं। यहाँ पर तो मैंने भालू मारा हुआ है, यही कहीं पर था। मेरे को सेकंड वाले के चक्कर में ना वो पहला वाला हमारा गायब हो चुका है। ओके ये वाला था क्या वो पक्का? ओके मेरे को यहाँ पर दिख गया, मार्क कर लेता हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उस कॉर्नर पर था। अब यहाँ कहाँ से आ गया ये नहीं पता। मार्क भी एग्जैक्ट जगह पर होता नहीं है। मेरे को लग रहा है कि शायद यहाँ पर और भी हो सकते, क्योंकि मुझे ऐसा याद आ रहा है वो कहीं अलग डायरेक्शन में था, क्योंकि इतना दूर तो दूसरा वाला था पता नहीं। खैर छोड़ो, अभी हम लोग ना जल्दी जल्दी इसको निकाल लेते हैं। धुआं वो ये है यार, वो यहाँ बहुत सारे हैं। ओके वो तो मैंने मार्क कर रखा है ना, तो ये वाला निकाल लेता हूँ। उसके बाद एक और राउंड जब आऊंगा ना तब जाके दूसरा वाला लेके जाऊंगा यहाँ से। गाड़ी को अपने आप ही हिल रही, पता नहीं क्या चल रहा है गाड़ी के साथ। ये देखो इतना छोटा सा है, बहुत सारे यार। अब हम लोग फैक्ट्री बना सकते हैं, हाई हनी फैक्ट्री ना। बहुत सारा हनी मेरे को इकट्ठा करना है, उसके बाद एक बार हम लोग फिर हनी इकट्ठा, हाँ हनी सेल करने जाएंगे। अभी तक मैंने कर तो रखा है, लेकिन वही कि यार इतने छोटे से दो फार्म है मेरे पास अभी। वैसे पहले एक ही था, दूसरा तो बाद में हुआ। एक काम करते हैं ना, इसको हाँ इसको चलने देते हैं तो पता चले। नहीं यार इसको छोड़ देते हैं, पता चले इसको भी भूल गया मैं। तो एक काम करते हैं हम लोग हार्डवेयर स्टोर से जल्दी से एक और बी हाइव फ्रेम ले आते हैं और उसको भर के हम लोग चलते हैं यहाँ से, ठीक है? तब जाके हम लोग चलेंगे। इतना काम तो स्टार्टिंग में मुझे रोज करना होगा ताकि हमारे पास बहुत सारे बी हाइव फ्रेम हो जाए। मैंने सच में एक बार ट्राई किया था हनी फैक्ट्री बनाने की, बट प्रॉब्लम यही आई थी कि मेरे को ये मिले ही नहीं। और अच्छा हुआ कि पहले मैं यही ढूंढ रहा था और मुझे मिले नहीं, तो मैंने छोड़ दिया, वो वीडियो का आइडिया ही छोड़ दिया। अब हम लोग इसको बाद में क्रिएट करेंगे। तो अभी यहाँ से फटाफट से ले आते हैं हनी फ्रेम। इस बार ना क्रिसमस वाला जो अपडेट आया हुआ है, मतलब ये क्रिसमस वाला अपडेट तो आ चुका है, उसमें गिफ्ट वगैरह ऑलरेडी पहले भी उन्होंने रख दिए। वरना पिछली बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बाय किए थे, एक ही खरीदता हूँ ना, पता चला दो मिल गए, दो बाय कर लेते हैं यार। पर वही ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं एक नहीं लेके जाता और वहाँ पे एक और मिल जाता है। लास्ट एपिसोड में ऐसा हुआ था कि मेरे को बहुत सारे मिल रहे थे और समझ में आ नहीं रहा था कि करूँ क्या इतनों का, मतलब कैसे लेके जाऊँ इनको। और मैप में मार्क करने पड़े थे मुझे। इस बार भी मुझे लग रहा है मतलब वो जगह तो कर। अबे क्या हुआ, तो मेरी गाड़ी पलट दी इसने यार। बताओ ये खेलने कूदने के लिए ऐसी जगह मिल रही है इनको, मेरी गाड़ी पलट दी पूरी की पूरी, इतनी बड़ी वाली गाड़ी। अबे बताओ इधर को, बताओ यार, नहीं कर मेरे सर को पड़ी रहेगी मेरी गाड़ी। दो चार दिन से मैं देख रहा हूँ ना, वो जो लड़की है जनरल स्टोर वाली, वो कुछ ज्यादा ही मुझ पर फिदा हो रही है। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि इसके पास तो खूब माल है, मेरे पास बेचेगा। अब वो कह रहे कि तुम मेरे पास बेच दो, मेरा मन है कि मैं बेस्ट बर्गर में बेचूं। तो एक बार मैंने रेट चेक करके आऊंगा कि कौन सही दे रहा है। पता चला बेस्ट बर्गर वाले मेरे को लूट रहे हैं और कोई अच्छा रेट दे नहीं रहे। तो हमेशा क्योंकि आदत पड़ चुकी है ना, मैं बेस्ट बर्गर में ही बेचता हूँ। तो एक बार मेरे को चेक करना है कि क्या एक्चुअल में वो मेरे को अच्छा प्राइस दे रहे हैं या फिर बेस्ट मेरे को जनरल स्टोर में बेचना चाहिए। अगर जनरल स्टोर में अच्छा प्राइस दे रही होगी लड़की, तो उसी के सर पर फेंक के आऊँगा सारा सामान। ये है ना ये वाला, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। और मैं तो भूल गया इसमें फ्यूल भी नहीं है। एक सेकेंड, गैस स्टेशन, चलो गैस स्टेशन की तरफ को चलते हैं। फ्यूल तो ऑलमोस्ट एंड हो रहा है इसमें, ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं फ्यूल डला के लगा था। ये गाड़ियाँ ऑफ रोडिंग भी करती है। ओके मुझे ऐसा लगा कि इधर को भी चल रही है गाड़ियाँ, बट नहीं चल रही। चढ़ाई में यार शॉर्टकट मार लूँ क्या? नहीं नहीं चलो, रोड बाय रोड ही चल रहे हैं और वहाँ पर काम करके आते हैं। वो जो हंटर था ना, यहाँ पे एक हंटर रहता है, उससे मैं कभी मिल के ही नहीं आया यार। वो कभी कह रहा था आओ मिलो और मैं मिलने गया ही नहीं उससे। एक बार उससे मिल के आना, लेकिन वो काम पकड़ा देता है, पता नहीं मेरे को पसंद नहीं है उससे मिलना। और जब भी जाता उसको, उसके पास काम ही रहते हैं कुछ ना कुछ। ये कितने हिरन घूम रहे हैं आजकल। एक सेकंड, ये मुझे ऐसा लगा यहाँ पर बी हाइव है, लेकिन नहीं था। होंगे बहुत सारे होंगे मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन वही कि अभी मैं जा नहीं रहा, मेरे पास है नहीं कुछ। चलो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, फ्यूल ख़त्म होने वाला था। मुझे लग रहा है कि एक बार मुझे शायद आज भी लाना पड़ सकता है अपना जो टैंकर है ना, वो टैंकर भी ख़त्म ही हो रखा है उसका हिसाब किताब भी। उसमें भी फ्यूल बहुत यूज़ कर लिया मैंने। मेरे पास पैसे कितने, मैं देखता हूँ, मेरे पास है $13,850 ऑलमोस्ट, अभी $47 हो चुके हैं। तो इतने हैं आज हम लोग, पता नहीं 100,000 भी क्रॉस कर सकते हैं या फिर 100,000 छू भी सकते हैं हम लोग, अगर मैं सब कुछ बेच दूँ। और वैसे मेरा प्लान तो है कि मैं सब कुछ बेचूँ यहाँ पर आराम से। हम लोग जा रहे हैं, पहले मैं नज़रें घुमाते रह रहा हूँ कि कहीं मुझे अगर कोई दिखता है। वो मेरी गाड़ी इधर भी पड़ी हुई है एक। ओके मुझे मन कर रहा है कि आज यार गाड़ी को वाइट कर दूँ मैं, वाइट करने का मन कर रहा है। ग्रीन ग्रीन के साथ तो मर्ज सी हो रही है, अभी वाइट कर लेते हैं इसको। इसको हमने सब कुछ लगा रखा है, तो मेरे को वाइट करने के लिए ब्राइटनेस तो सेचुरेशन एकदम कम करना होगा, ब्राइटनेस बढ़ा देनी, बस यही है वाइट। ओके तो हो चुका है वाइट हमारा, अपग्रेड कर लेते हैं। सेल नहीं करनी यार वाइट कलर में गंदी तो लग रही है, बट अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए ऐसे ही करते हैं, उसके बाद हम लोग दोबारा चेंज कर देखो। तो यहाँ पर भी हिरन दिख रहा है मुझे, हिरन ने पूरा
रेंच पे कब्जा कर लिया मुझे ऐसा लग रहा है। ओके अब जाके ना एक बार मुझे यहाँ पे एक चीज चेक करनी है। मुझे ऐसा याद है कि हाँ, अरे वाह, हमारे पास ना यहाँ पे बहुत सारे एग पड़े हुए। देखो ये एग तब के जब हमारे पास चिकन कूप हुआ करते थे यार, वो चिकन कूप से भी बहुत फायदा होता था। तो मैं अब बनाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ उसको रेंच से थोड़ा सा दूर बनाऊं और जैसे ही लैग करने लगे हम लोग उसको वो कर लेंगे, फिर जाके हम लोग मार लेंगे चिकन को। तो मुझे इसीलिए आप लोग कमेंट करके एक ऐसा डिजाइन बताओ कि यार मैंने उसमें उनको ब्रीड भी कराना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रीड करा के हमको बहुत फायदा होने वाला है। चिकन बच्चे होंगे तो बहुत सारे वो हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा मतलब थोड़ा सा ना डिफिकल्ट सा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ और सोचने में आ नहीं रहा। इसलिए आप लोगों की हेल्प चाहिए मुझे, ताकि मतलब ऐसा प्रॉपर सिस्टम बने। अभी बहुत सारे लिमिटेशंस तो होती हैं रेंच सिमुलेटर में। हेडलाइट ऑन नहीं करी मैंने, मुझे ऐसा लगा था कि आज मैं अपना रेंच सिमुलेटर खोलूंगा और मुझे ना पूरी बर्फ बर्फ दिखेगी, क्योंकि क्रिसमस टाइम है, लेकिन ऐसा है नहीं यार, पता नहीं क्यों इस बार बर्फ पड़ी नहीं यहाँ पे। मेरा ना मुझे इतना मन कर रहा है ना ये चीज़ वगैरह बनाने का, मीट बॉल बनाने का, सब करने का। यार तू क्या खाएगा? ओ एक सेकंड, मैं इसके लिए खोल देता हूँ, खा लेना यहाँ से, भूखे मत रहना बस। ये खुल क्यों नहीं रहा? एक सेकंड, पहले तो इसके हेडलाइट बंद करो। ये बोरे को मैं इधर पर रखता हूँ और तू खा ले इसमें से, ले आराम से। गोल गोल में क्या है? अरे यार ये मशीन है वो वाली, एयर टैग वगैरह, काव की एयर टैग वगैरह रखी है और बहुत सारी मतलब मशीन है। अच्छा खासा गिफ्ट दिया है इन्होंने। मतलब अगर सोचो जो पहली बार रेंच सिमुलेटर खेल रहा है और क्रिसमस के टाइम पे, तो मुझे लगता है कि यार उसकी तो मतलब वो तो बहुत ही खुश हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी महंगी महंगी मशीन है। ये बहुत महंगी मशीन है वैसे, मतलब $1,500-$2,000 इकट्ठे करना बहुत बड़ी बात होती है जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो रेंच सिमुलेटर की। तो तब के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा गिफ्ट इन्होंने दे रखा है मुझे, या तो मेरी काबिलियत को देख के दे रखा हो या सबको मिल रहा होगा। ओके तो यहाँ पर भी है मेरे पास। और यहाँ पर क्या चीज़ है? ये भी कुछ ना कुछ बेचने वाला आइटम है क्या? वाइल्ड मीट है इसमें, इसमें वाइल्ड मीट है इसमें भी। तो अभी हमारे पास एक कूलर तो ये है। अब हम क्या करते हैं ना, कूलर मैंने ऐसे अपनी फसल भी चेक नहीं करी, वैसे मुझे लग रहा है कि वो हो गई है, लेकिन आज ना हार्वेस्ट करने का मन नहीं। एक बार बस चेक करके आया था कि क्या हमारे जो खेत है दोबारा से हरे भरे हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं। बट आज मैं बेचने वाला नहीं हूँ इनको, मैं ना हार्वेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ। अभी हमारा जो मेन गोल होने वाला है, क्योंकि उसमें ना बहुत टाइम लगने वाला है। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे प्लैंक पड़े हुए हैं, लॉग पड़े हुए हैं, सॉरी। ये देखो हो चुके हैं सारे हो चुके हैं, कौन भी हो चुके हैं। ओके तो सब कुछ ही हो चुका है। यहाँ पर भी बहुत सारे लॉग पड़े हुए हैं जो मैंने उस टाइम पे इकट्ठे नहीं किए थे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके हैं। मेरे को यहाँ का ना ट्री भी हटाना है यार, बहुत सारे हो रखे हैं, इनको हटाएंगे बाद में। अभी अब चलते हैं, पहले तो हनी बनाते हैं बहुत सारा। अरे यार मैं चल रहे दोबारा चल रहे मार्केट, मैं तो बैरल लेके ही नहीं आया, बैरल लेके नहीं आया मैं। बैरल भी तो चाहिए उसके लिए, इसकी गाड़ी अंदर को डाल दूँ। मैं सोच रहा हूँ कभी ना इसकी गाड़ी, एक किसी की गाड़ी अपने रेंच में लेके चले जाऊँ, देखता हूँ कि कैसे हटाता, वैसे गायब हो जाएगा ना जैसे सो के उठूंगा। लेकिन मजा आएगा रेंच में भी, ये लोग आते ना ऐसे मिलने मिलने के लिए, भिड़ने के लिए मजा आता है, इनके इनसे फाइट करने में मजा आता सही में। लेकिन ये ऐसे कर नहीं रहे, ये अपना शांत चले रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मंजिल का पता नहीं, बस सफर तय कर रहे हैं। ओके तो यहाँ से मेरे को नहीं, ऐसा ना हो यहाँ पर बैरल नहीं मिलता, मिलता है। ओके तो यहाँ से हम लोग 5 बैरल अभी के लिए काफ़ी है, उसके बाद देखेंगे कितना होगा, बट मुझे लग रहा है कि अभी के लिए इतना काफ़ी रहेगा। तो 5 बैरल है, इनको मैं रखता हूँ गाड़ी में फटाफट से। चलो यहाँ वाला काम तो हो ही चुका है। यहाँ पर भी एक बीहाइव था, मतलब उसको ढूंढने में, ये देखो जो मैंने निशान लगा रखे है ना, अब मैं देख रहा हूँ कि क्या दोबारा उस जगह पर आता भी है, क्योंकि अभी जो जो हार्डवेयर स्टोर के पीछे वाला एरिया है ना, वहाँ पर तो रोज बीहाइव आ जा रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर बीहाइव वगैरह कोई मिलने वाला है। हाँ यार मतलब वहाँ पर बहुत मिलते थे, वहाँ पर ये देखो यहाँ पर है ही नहीं, वो यहाँ से तो पेड़ ही गायब हो गया। मेरे को लग रहा है मैंने ही तो नहीं तोड़ दिया, लेकिन मैं क्यों तोड़ूंगा यार, जब मैंने निशान लगा रखे कि दोबारा भी यहाँ से लेके जाऊँगा तो मेरा तो मतलब बनता नहीं। मेरे को लग रहा है इधर से हटा के उन्होंने एक पर्टिकुलर लोकेशन कर दी, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा जहाँ से हमको हार्वेस्ट करना, मतलब उनको निकालना बीहाइव्स को, तो वो कर दिया मुझे ऐसा लग रहा है। अभी चल रहे हैं, मुझे बहुत जल्द अपना घर भी दोबारा से अच्छा बनाना है, मतलब मन कर रहा है, बहुत टाइम हो चुका है और अभी तक मैंने अपना घर फिक्स नहीं किया हुआ है। मतलब वही पुराना वाला घर है, मज़ा सा नहीं आता, मैं तो कब किसी और कमरे में जाता भी नहीं हूँ, बस सोने के लिए चले जाता हूँ घर में, मजबूरी में वो भी। तो अभी इसको यहाँ पर जलाते हैं सबसे पहले। हाँ एक सेकंड, पहले ना एक और जल्दी से हनी फार्म बिल्ड कर लेते हैं, जो भी है हनी फार्म बोलते हैं उसको। यार ग्रीन हाउस इधर कहीं पर मिलेगा, इसके लिए मेटल चाहिए मुझे और प्लैंक कितने चाहिए, एक सेकेंड, प्लैंक 15 चाहिए। तो जल्दी से 15 प्लैंक और 2 मेटल, ये 2 लेके आ जाता हूँ, उसके बाद ये वाला हम लोग बना लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पहले एपिसोड में भी किया था ना मैंने शायद, हाँ वहाँ के थोड़े बहुत ना बचे हुए हैं बीहाइव फ्रेम। तो ये देखो 2 ही है इसमें एग्जैक्ट, तो ये बहुत सही हो जाएगा, हमारा काम आ जाएगा। चलो अब यहाँ से इनको लेके चलते हैं। और ये कूलर में क्या है यहाँ पर? ओके यहाँ पर भी कूलर है मेरे पास, बहुत सारे पड़े हुए हैं, मेरे को लग रहा है खाली वाले कूलर हैं,
क्योंकि जहां तक मेरे को याद है इसमें कुछ था नहीं ऐसा। तो कूलर काम आएंगे, उसके अलावा भी मेरे को बहुत सारे कूलर लेके आएंगे। पहले तो मेरे को अंडे भी बेचने हैं वहां पे, मैं अंडे तब बेचूंगा जब मेरे को ना अच्छे रेट मिलेंगे, क्योंकि अच्छे रेट मैं बेचूंगा तो बहुत फायदा होने वाला है। अंडे कम नहीं है, बहुत सारे अंडे हैं, मैंने पता नहीं कैसे इकट्ठे कर लिए, और अभी तक शायद उनके बच्चे भी नहीं हुए, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम से ऐसा कर सकते हैं। ओके तो अभी ना मेरे को नहीं पता इसमें है क्या, मैं थोड़ा दूर रख के इसको उठाऊं क्या एक बार। इसमें कुछ नहीं है यार, ये बेकार है, खाली है। इसमें होगा, हाँ इसमें है, इसमें है मधुमक्खियाँ, इस वाले में भी है। ओके और तीन में अभी लेके आया हूँ, तो पांच, हमारा एक और फार्म जो छोटा सा है वो कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग शहद निकालेंगे और फिर जाके चाय में डाल के खा लेंगे उसको। इसमें भी है क्या? हाँ इसमें भी है। कितने हो गए? धीरे धीरे करके बहुत कलेक्ट कर लिया मैंने, तो हमारे पास अभी 15 बी आई हो चुके हैं। चलो इसको बनने देते। इसमें ओके हो रखा है, 100% हो रखा है, मुझे ऐसा लगा कि हुआ नहीं है। कभी कभी पता नहीं, अच्छा आधा जब खत्म हो जाता है ना तब जाके येलो सा लगता है। चलो देखते हैं कि कितना बैरल निकलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 बैरल हम लोग भर पाएंगे आसानी से, देखते हैं उससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उससे और ज़्यादा होने वाला है नहीं। मेरे को ना ऐसा मतलब मन है कि मैं कम से कम 100 बैरल बना लूँ, मतलब ढेर सारा बना लूँ। यहाँ पर अभी बहुत सारे हो रखे, अभी इनके ऊपर और रखूँगा मैं। एक बैरल नहीं यार, मुझे लगता है कि 2 ही भर पाएंगे, 2 भी मुश्किल ही लग रहा है अब तो। ये तो भरा ही नहीं इससे। ओके ठीक है कोई बात नहीं। देखो ये पूरा 100% निकला नहीं, 2% बच चुका है, खैर वो निकलेगा भी नहीं उतना, तो उतना उनके लिए भी तो चाहिए वरना भाग जाएंगे ना। मुझे लगा था कि यार ज़्यादा बैरल हो जाएंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ 2 बैरल भी पूरे नहीं भरे हुए, 6.3 और ख़त्म, बस इतना ही है। कोई बात नहीं, चलो बाद में हो जाएगा। अब मेरे पास 3 हो चुके, तो मैं एक बार में 2 बैरल तो आसानी से भर सकता हूँ, 2 भी नहीं 2.5 बैरल भर जाएगा हमारा। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारा बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, हम लोग बहुत अमीर बनने वाले हैं। चलो अभी ये पूरा खाली हो चुका है, अब जाके पहले तो मेरे को वो वाले बैरल चेक कर, बैरल नहीं वो कूलर मेरे को चेक करने कि वो कूलर में है क्या। उसके बाद से मेरे को बहुत सारे कूलर बाय करके लेकर आने, क्योंकि जितने मेरे पास पाइनएप्पल है ना यार बहुत ही ज़्यादा है, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। मेरे को लगता है ये वाली गाड़ी मेरे को छोड़नी पड़ेगी, ये वाली गाड़ी पकड़ते हैं। इसमें क्या है, खाली है सारे के सारे। ओके तो इसमें पहले तो इस वाले में पाइनएप्पल भरता हूँ, उसके बाद ट्रेलर लेके जाना पड़ेगा। ये कुछ पड़ा हुआ है क्या, मीट कुछ तो है। ओके कुछ मीट वीट है यार, ये कहाँ से आ जाते हैं यहाँ पर पता नहीं। चलो अभी गाड़ी का जो ट्रेलर है उसको लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, और अब जाके बाय कर लेते हैं बहुत सारे कूलर्स। मैं हमेशा बेस्ट बर्गर जाता था, आज यहाँ से लेके हार्डवेयर शॉप से भी बाय करता हूँ बहुत। ये थोड़ी अलग सी शॉप है, जबकि मेरे रेंज के पीछे है। देखो इसके साथ 96 का एक कूलर मिल रहा है, हमको तो बहुत घाटा भी हो जाने वाला है, लेकिन अगर मैं बेचूंगा तो। ओ यहाँ से नहीं, कूलर के साथ वो पंगा नहीं है कि एक बार में 5 खरीदो, अच्छा हुआ यार। मेरे को कम से कम 50 मेरे को लगता है कि बाय कर सकते हैं हम लोग। अरे नहीं, जितने भी बाय कर रहे हैं एक बार कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को 100 तो चाहिए ही चाहिए। अब मैं इतने लेके कैसे जा पाऊंगा ये देखने वाली बात होगी, बट फिलहाल 100 कूलर तो मेरे को चाहिए कम से कम। 99 बाय कर पा रहे हैं आज, ये भी पता चला पूरे सोचो अगर मेरे पास ऑलरेडी इतना पैसा नहीं होता तो मैं तो कूलर भी नहीं ले पाता, मैं कैसे बेचता ये सब, फिर मेरे को गाड़ी में रखने पड़ते हो। कितना कितना सब कुछ हो चुका है यार, ये देखो कितना सही लग रहा है देखने में। तो कैसे एक करके मैंने सबको यहाँ पर रखना स्टार्ट कर दिया। मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत सारा कूलर आ सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो कुछ ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है कि इसमें नहीं आएंगे, आराम से आ सकते हैं। बस एक बार पहले ये सारे रख लूँ, उसके बाद देखता हूँ थोड़े से और बाय कर लूँ, लेकिन वही कि खर्चा बहुत आ रहा है कूलर खरीदने में, लेकिन कोई बात नहीं, ये काम आ सकते हैं बाद में, और नहीं भी है तो कम रेट में बिक सकते हैं, तो उतनी बड़ी टेंशन भी नहीं है। और आगे भी अगर हम लोग अभी इतना उगा पा रहे तो आगे तो और ज़्यादा होगा ना, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ले लेते हैं जितना भी कूलर है। 99 कूलर है, बहुत सारे हैं, पता नहीं यार, मतलब मुझे लगता है कि आ जाने चाहिए शायद मेरे जो पाइनएप्पल है, एक बार इतना ही लेके चलते हैं, एक और बाय कर लूंगा 100। ओके गाइस, तो 99 तो हमारे पास कूलर ये हो चुके हैं, एक 99 की लिमिट थी, तो आज कम से कम ये लिमिट पता चल गया कि 99 की लिमिट है हमारे पास। अब एक एक्स्ट्रा मैं बाय कर रहा हूँ और हमारे पूरे 100 कूलर्स हो जाएंगे, जो ऑलमोस्ट $10,000 के आसपास मेरे को पड़े बहुत। और एक और यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मतलब पूरे 100 हो चुके हैं अभी हमारे पास, वही के ऑलमोस्ट 10,000 के तो कूलर पड़े हैं। सोचो हम लोग जब इसको सेल करेंगे कितना हमको प्रॉफिट होने वाला है। और ये टमाटर का सीड कहाँ से आ गया, स्ट्रॉबेरी का सीड आ रखा है। ओके कोई बात नहीं, अब मुझे जो काम करना है, पहले मुझे ना पाइनएप्पल इसको भरना है, बेल पेपर का हम लोग फिर देख लेंगे, पहले मेरे को पाइनएप्पल चेक करना है कि वो कितने कूलर में आते हैं, क्योंकि अभी ये कूलर गिने में तो एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ 100 कूलर थे और 100 के 100 पूरे भर चुके हैं, तो उससे भी हम लोग काफ़ी कुछ आइडिया लगा सकते हैं। देखते हैं, मतलब मुझे ना कुछ आइडिया लग ही नहीं पा रहा, आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है
कि ये 100 कूलर्स हैं और इसमें क्या जितना मेरे पास पाइनएप्पल है वो आ जाएगा या नहीं आएगा। वैसे मैं अगर अपना सजेशन दूँ, अपना गैस करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कम पड़ सकते हैं, शायद नहीं, चलो कन्फर्म बताना ना, कम पड़ सकते हैं। आप लोग कमेंट में बताना, फिर जाके वीडियो को आगे को देखना। चलो अभी किस साइड को मेरे ज़्यादा, ओके यहाँ पे है ना, पहले यहाँ से भरने स्टार्ट करता हूँ, और उसके अलावा जो मेरे बाकी कूलर्स हैं ना उनको मैं रख दूंगा साइड में, ठीक है। यहाँ से भर के मैं वापस एक जगह पर उसको रखना स्टार्ट कर देता हूँ, और जो यहाँ वाले कूलर है उनको अभी मैं साइड रख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई भी, ठीक है। तो अंदर भी है हमारे पास बहुत सारे, पहले यहाँ के जो ये नीचे ऑलरेडी रखे हुए हैं ना उनको हम लोग रखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रखना स्टार्ट करते हैं। पता नहीं, मुझे तो बहुत लगता है, मुझे लगता है कि यार कम पड़ने वाले हैं कूलर, अब बाकी तो अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। A few moments later. मुझे तो ना अभी लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत बोल दिया, और जिसने भी बोला होगा कि 100 से ज़्यादा, तो वो तो मेरे को लग रहा है कि गए उनका तो गलती होने वाला है, क्योंकि 100 से कम ही हो जाएगा। अब मुझे ऐसा लगने लगा है, देखो आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है और कूलर हमारे अभी बहुत सारे बाकी है। मुझे पता नहीं कि मैंने कितने कूलर रख लिए, लेकिन मैं डायरेक्ट वापस ट्रक में ही रख रहा हूँ, तो एक आइडिया हमको लग जाएगा। लास्ट में जो बचेंगे खाली वाले कूलर उनको हम लोग काउंट कर लेंगे। वैसे अभी यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, तो ऐसी बात भी नहीं, अंदर भी बहुत सारे रखे हुए हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार 100 मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बट कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं कि कितना होने वाला है। तो अभी सिर्फ एक इतना भर रखा है हमारे पास, क्योंकि पता है दिखने में थोड़े से बड़े दिख रहे, तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा है, बट नहीं है उतने ज्यादा, वो दिखने का एरिया ज्यादा। देखो पंपकिन कितने ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये वैसे कूलर में आते नहीं, बट 10-15 कूलर में आ जाएंगे आराम से। तो अभी ना थोड़े दूर वाले ले आता हूँ पहले पाइन एप्पल, अभी वो हार्वेस्ट भी करने मुझे अभी। चलो कोई बात नहीं, हार्वेस्ट तो हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि आप दोबारा तो पाइन एप्पल लगने नहीं वाले, तो जितने हैं उसी को बेच के आएंगे, और साथ में बाद में हार्वेस्ट करूंगा मैं। एक काम करते हैं, पहले यहाँ वाला सारे क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, मतलब बीच के जितने भी थे ना ऑलमोस्ट सारे मैंने हटा लिए। मेरे को कई जगह पर जो प्लांट थे वो तोड़ने पड़े, क्योंकि वो फंस रहे थे और निकल नहीं रहे थे, तो वो हो चुके हैं। और पाइनएप्पल इसमें भी है 8, तो इसको भी मैं साइड में लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें 8 है ना। तो यार एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग, मतलब मैं यही कर रहा हूँ, मेरे को 2-3 जगह कूलर में रखे हुए दिखे, तो मैंने वो वाला कूलर तो इधर, वैसे इसमें खाली है ना अभी, इसको यहाँ रखते हैं और एक कूलर निकाल के अलग रख लेते हैं, ताकि मतलब हमको गिनने की जरूरत ना पड़े दोबारा। मतलब 100 के 100 हैं। अब देखो जितने यहाँ पर थे, जितने यहाँ पर थे सारे कूलर रख लिए, पहले ये सारे के सारे जो कूलर्स हैं उनको मैं रख लेता हूँ यहाँ गाड़ी में, ठीक है। उसके बाद इतने जो कूलर हैं वो खाली है, लेकिन अभी यहाँ पे एक सीक्रेट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर भी 100 मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होने वाला, लेकिन काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे ना ऑलरेडी मैंने देखा कि मैंने पता नहीं कब से रखे हुए हैं कूलर्स भरे हुए, ठीक है। तो ये सारे के सारे कूलर सब में 12-12-12-12 पाइनएप्पल हैं, तो पहले तो ये कूलर निकाल लेते हैं बाहर, काउंट भी कर लेता हूँ उनको, और उतने कूलर मेरे को वहाँ से कम करने होंगे। तो 17 कूलर्स मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, जो ऑलरेडी पहले से जिसमें पाइनएप्पल रखा हुआ था कूलर के अंदर। तो अब मैं यहाँ से ना बार बार उनको यहाँ से इधर में करने के बजाय हम लोग यहाँ से 17 कूलर अलग कर लेते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर लगा लेते हैं 17 कूलर, और वो जो 17 कूलर खाली बचेंगे उसमें मैं बेल पेपर रख लूंगा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि 17 के बाद कितने यहाँ पर बचते हैं। मुझे लगता है कि यार हम 100 तो मतलब क्लोज हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज पहुँच जाएंगे 100 के। ओके तो 17 कूलर मैंने निकाल लिए, और एक बार चेक कर लेते कि हमारे पास कूलर कितने बचे खाली वाले। ओके तो 19 कूलर हमारे बच गए थे। फिलहाल जल्दी से इनको गाड़ी में लोड करता हूँ, उस वाले में बेल पेपर मेरे को रखना होगा, तभी हम लोग इसको फिर बेचने चलेंगे। कितना पैसा होगा ये तो अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो लेकिन यार मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा खासा अर्न करने वाले। पहले जनरल स्टोर जाएंगे, वहाँ के रेट देखेंगे, उसके बाद से हम लोग बेस्ट बर्गर के रेट देखेंगे, मतलब दोनों में चेक कर लेंगे कि कहाँ पर सही मिल रहा है, और वहाँ पर जाके हम लोग बेच देंगे, ठीक है। इनका ऐसा कुछ तो चलता नहीं कि मल्टीप्लाई वगैरह होता है, क्योंकि वहाँ पे मीट वगैरह ये सब चीज़ों का होता है, तो फ़ायदा है नहीं कुछ ऐसा। वेट करके हम लोग अभी जाके बेच देंगे सबका सब जितना भी है हमारे पास। काफ़ी खाली हो गया हमारा रेंच आज। तो यहाँ पर ना दोबारा से पाइन एप्पल उगाए हैं, तो वो भी मेरे को कूलर में भरने पड़ेंगे, और शायद अभी हमारे कितने बच रहे, 6, ओके बच खत्म हो चुके हैं हमारे 79 कूलर हो रहे थे। 79 बहुत बड़ी बात होती है, 79 कूलर हो रहे थे जो पाइन एप्पल से भरे थे, अब 80 हो चुके, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा रख लिया, अब एक और रखने वाला हूँ। मेरे को लग रहा है कि ये 81 वाला होगा ना, ठीक है, हाँ 81 वाला होगा, और अभी 2-3 भर जाएंगे, मेरे को लगता है 83 हो जाएंगे पूरे, पता नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, फटाफट से भरते हैं इसको, ये वाला। ओके तो 2 पाइन एप्पल और बच रहे हैं, उसके अलावा 80 तो वहाँ पर रख लिए थे मैंने, अब बाकी ये है हमारे पास 81, 82 और 83। तो 83 कूलर्स पूरे के पूरे भर चुके हैं पाइनएप्पल से,
और बाकी ये बहुत सारे हैं तो इनको मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर। देखते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा, वैसे इतने तो नहीं आ पाएंगे बट यार इतने नहीं आ पाएंगे, मैं सोच रहा हूँ पीछे ही रखूँ इनको भी। इसमें हम लोग ना पम्पकिन वगैरह रख लेंगे, ठीक है। बाड़ी एक बार घुमा के लेके आता हूँ और ये जो कूलर है इनको रखता हूँ, उसके बाद से जो पम्पकिन्स हैं वो तो मेरे को कूलर में तो आते हैं नहीं, तो वो मेरे को ऐसे ही रखने पड़ेंगे। तो वहाँ से तो मैंने सब कुछ रख लिया और अब मैं यहाँ से ना पम्पकिन्स रखने वाला हूँ, लेकिन इनको रखना थोड़ा सा मुसीबत वाला काम हो सकता है क्योंकि ये जगह बहुत घेरने वाले हैं और मुझे पता भी नहीं कि एक के ऊपर एक। ओके स्टैक तो हो पा रहे हैं, चलो ठीक है, कम से कम स्टैक कर पा रहा हूँ। अब मेरे को गाड़ी के यहाँ यहाँ और जो बीच में जगह बच रही कूलर्स के वहाँ पर इनको रखना पड़ेगा। पम्पकिन तो ज़्यादा नहीं है बट वही कि यार थोड़ी जगह ज़्यादा घेर रहे हैं और कुछ नहीं, दिखने के भी ठीक दिख रहे हैं, अच्छे दिखते हैं इसीलिए लाइने लगाए थे, वरना ऐसा कुछ प्रॉफिट है नहीं इसमें, ठीक है। तो अभी इसमें शायद चार तो आ ही जाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, एक और शायद यहाँ पर आ जाना चाहिए, हाँ आराम से आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको भरते हैं उसके बाद हम लोग चलते हैं, तब तक थोड़े बहुत ना मेलन और लग रहे हैं। अब यहाँ पे ना एक लास्ट मेरे को रखना है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लग ये हो नहीं पा रहा है इसमें। ओके लग चुका है, लग चुका है, चलो ठीक है, बाहर आ रहा है बट कोई बात नहीं। इसके ऊपर एक फटाफट से स्टैक कर देता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर वाले पार्ट में रखूंगा, इसमें वैसे एक एक और स्टैक हो सकते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हमारी गाड़ी सज चुकी है एकदम दुल्हन की तरह, और यहाँ पे उसके अलावा पाइनएप्पल उगे ही नहीं तब से, पता नहीं क्यों, मतलब दो थे वो मैं लेके आया नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमारे पास 84 जो कूलर्स हैं वो थे, क्योंकि एक कूलर मेरे को और मिला जिसमें 12 पाइनएप्पल थे जो वहाँ पर रखा हुआ था बेल पेपर के वहाँ पर। तो आपको गाड़ी एक बार दिखाऊं, देखो पूरी गाड़ी ये है हमारी, इसमें मैंने पम्पकिन रखे हुए बीच में और ऊपर से भी रख दिए क्योंकि बीच में आ नहीं रहे थे, मतलब मैं थोड़ा सा सजावट करके लेके जाना चाह रहा था। अब हम लोग चलते हैं पहले हार्ड यहाँ पे जो बेस्ट बर्गर है वहाँ पे एक बार प्राइस चेक करते हैं कि कितना हमको मिल रहा है, बस एक बार में डिटेक्ट कर ले यार, क्योंकि मुझे डाउट है कि एक बार में डिटेक्ट हो भी पाएगी इतनी लंबी गाड़ी, वो यार मेरे को ना पता चल, मेरे को पता कैसे चलेगा कि हो रहा है सब एक बार में इतना तो डिटेक्ट। ओ लैग करने लग गया तो बहुत ज़्यादा, अरे यार बहुत ही ज़्यादा लैग करने लग गया, ऐसा क्यों पता नहीं। ओके मैं चेक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एग अभी वही एग के जो मल्टीप्लाई वाले रेट चल रहे थे वही हैं। अब अगर इसमें हम लोग देखें तो ये $29,274 का बिक रहा है, इसमें 40 एग भी आ गए। एग कहाँ से आ गए, एक सेकेंड रुक जाओ, एग को रखो तुम साइड में, एग नहीं चाहिए हमको, हम एग वैग कुछ नहीं बेच रहे, अभी मीट वीट वाला कोई सामान नहीं बेच रहा हूँ, 29,000 का सामान बेच रहा हूँ मैं एक बार में। एग दोबारा से आ गए इसमें, कैसे हो गए ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि कैसे हो पाएगा यहाँ पर। ओ एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना रेट देख लेता हूँ कि एक 12 पाइनएप्पल बिक रहे हमारे $360 के, ठीक है, तो पता चल जाएगा। मेन हमारा पाइनएप्पल फोकस है, पम्पकिन वगैरह हम लोग उतना ध्यान दे नहीं रहे, तो अभी यहाँ से ना चलते हैं। गाड़ी बहुत लैग कर रही है यहाँ पर यार, अरे बाप रे तो हद ही हो गई, ये ऐसा क्या है यहाँ पर, एग रखे उस वजह से हो रहा है। तो अब ना मैं घर जा रहा हूँ, मुझे 2 पाइनएप्पल जो मैं एक्स्ट्रा रख के आया था ना वो रख लेता हूँ, उसके बाद 3 पाइनएप्पल कम हो रहे हैं, मतलब एक में 11 पाइनएप्पल हैं कूलर में, एक कम है एक में 8 है, बट कोई बात नहीं, जो एक्स्ट्रा पाइनएप्पल थे वो ले आते हैं, यहीं से हम लोग चल रहे हैं जनरल स्टोर में, वहाँ पर रेट अगर सेम मिलेंगे तो वहीं पर बेच देंगे, मतलब कोई ऐसा फ़ायदा तो है नहीं। और वैसे भी मैंने उस लड़की से प्रॉमिस कर रखा था कि मैं उसी को बेचूंगा अपनी पूरी धंदौलत, मतलब उसी से लूंगा क्या हो रहा है, मतलब जो भी है उससे उसको सब सौंपूंगा अपना सामान। अभी पहले ओके ये वाला कूलर था जिसमें मैंने रख रखे थे शायद 2, हाँ ये रख रखे थे। अब मैं इसमें को समझ में कैसे आएगा कि किसमें अब कम है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल ये तो पता ही नहीं चलेगा यार। मैं एक काम करता हूँ, ये तो ये 2 पाइनएप्पल है ना, इनको ऐसे ही लेके चले जाता हूँ, ये आप भी पाएंगे ऐसे, एक इधर पर आ चुका है और एक उधर पर, एक और अगर पाइनएप्पल हुआ रहता ना 1-2, वो हो ही नहीं रहे, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या पानी कम हो गया क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा, जबकि पेड़ तो लगे हुए हैं यार, मतलब जो पौधे हैं उनके पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। चलो अभी चल रहे हैं यहाँ से जनरल स्टोर की तरफ को, और मेरे पास मीट वगैरह भी था, मन तो कर रहा था मीट भी बेच, लेकिन जगह भी नहीं थी और फिर बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, तो मैंने सोचा यार वो रख लेते हैं कि अभी बाद में ना काम, फिर बात वही कि मैं बेच दूंगा ये तो दोबारा उग जाएंगे, उसके लिए मेरे को फिर से एनिमल्स को मारना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता, बहुत बवाल होता है उसमें भी, क्योंकि एक बार पाल के उनको ग्रो करो फिर मारो फिर जाके इकट्ठा करो, तो अभी ऑलरेडी वो कूलर में रखे हैं तो वो बेटर है, ठीक है। अभी हाँ मेरे को शहद भी निकालना है, अभी घर जाके शहद भी नहीं निकाला, मैं दिन भर में इसी काम में बिजी हो गया, पता नहीं कितने दिन बीत गए। एक बार देखते हैं कि ये $360 के बिक रहे थे वहाँ पर 12 पाइनएप्पल, यहाँ पर ये लोग क्या रेट दे रहे हैं मेरे को ये चेक करना। ओके ओके, तो यहाँ पर ना मेरे को लग रहा है कार्ट में इनका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉब्लम कर रहा है इतना इन्होंने सोचा नहीं था कि कोई बेचने आएगा, तो 12 पाइनएप्पल के रेट देखो 360 का ही बिक रहे हैं और ऑलमोस्ट सेम ही है, $2 का एक वो बिक रहा है, $30 का एक पाइनएप्पल बिक रहा है, ठीक है।
और बेल पेपर बिक रहा है हमारा $2 का, और हमारा जो पम्पकिन है एक बिक रहा है $10 का। तो हमारे पास 63 पम्पकिन है टोटल, वहां पर तो 36 दिखा रहा था। देखो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ना पूरा ये वो हो रखा है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ट्रैक हो रहा है पूरा ही। अभी और मैं गाड़ी घुमा के ना थोड़ा सा इधर को लेके आ जाता हूँ, ताकि कुछ अगर बच भी रहा होगा ना वो भी आ जाएगा। अरे यार ऐसे कैसे हो पाएगा, शायद अभी आ चुका होगा, इससे ज्यादा मैं कर भी नहीं सकता इसको टेढ़ा। मुझे लगता है कि आ चुका होगा, जब पूरा ये कार्ट के अंदर है ना तो शायद सारा ट्रैक हो रहा होगा। अब हम लोग एक एक करके सामान बेचते हैं। पहले तो हम लोग बेचेंगे, अभी कितने का हो रहा, $35,000 का हो रहा है, वहां पर हो रहा था 29,000, यानी कि वहां पर ना ट्रैक नहीं हो पा रहा था प्रॉपर तरीके से, जगह छोटी है। तो पहले ओ 88 पम्पकिन है मेरे पास, देख लो कितना, मतलब धीरे धीरे करके सींग निकल रहे हैं। पहले वहां पे कम थे, फिर ज्यादा $880 के तो हमारे पम्पकिन ही बिक रहे हैं। 880 कम ही है यार, 880 में, मतलब सामान को ढोने में भारी तो बहुत लग रहे थे। चलो पहले पम्पकिन को हम लोग सेल कर लेते हैं। एक सेकंड, सेल हुआ भी क्या, हुआ है? हैंग हो गया इनका सॉफ्टवेयर, वो हैंग हो गया इनका। टोटल हमारा 35,000 हो रहा था ना, ठीक है। अब हम लोग बेल पेपर बेचते हैं, उसके बाद से लास्ट में हम लोग पाइनएप्पल बेचेंगे। तो बेल पेपर एक एक करके बेचते हैं। बेल पेपर कितने थे पता नहीं, 2 3 4, और ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है। यहाँ पे ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, बहुत ज्यादा बड़ी वाली। और गड़बड़ ये हो रही कि यहाँ पे मैं सोचू कि यार ये 10,000 का क्या बिक रहा है, नहीं 1,000 का, ये देखा कार ट्रेलर पूरा, मतलब मेरे को लूट लूटने लूटने नहीं आया हूँ यार मैं, एक सेकेंड, ऐसे लूटने थोड़ा ना आया हूँ। तो अभी हम पम्पकिन सारे बिक गए ना, अभी एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग इस ट्रक को लेके चलते हैं आगे। और चीज से मेरे को मतलब नहीं, मेरे को देखना है कि पम्पकिन जो हम इतना टाइम से मेहनत कर रहे थे उसकी कमाई कितनी हो रही है। तो कूलर तक बिक जा रहे हैं वहां पर। अब जाके एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से ना कूलर निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ से नहीं बल्कि कूलर को भी रखे रहते हैं, कहाँ से निकाला था मैंने तो पता भी नहीं चल रहा। मेरे को लग रहा है एक कूलर भी बिक चुका है। ओके ये तो खाली वाले कूलर है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम गाड़ी को लगाते हैं थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में, ट्राई कर रहा हूँ, अगर नहीं होगा तो फिर तो बेच ही देंगे। लेकिन टोटल जो कॉस्ट आ रही सब कुछ की 35,000 मिला के आ रही है, कार ट्रेलर और जो कूलर है हमारे पास। तो अब इतना तो सब कुछ ही नहीं बेचना ना, मेरे को बाद में चीज चाहिए होंगे सब। पाइनएप्पल के रेट पता करने थे, तो पाइनएप्पल के हम लोग वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पर ढेर लगाना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ढेर लग पाएगा नहीं लग पाएगा, नहीं मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा यार, एक एक करके ऐसे रखने की हिम्मत तो मेरी तो नहीं है बिल्कुल भी अभी। Extremely annoying shift later. ओके गाइस, तो फाइनली मैंने बहुत देर लगा के वो सारा का सारा वहां से कूलर से निकाल के यहाँ पे ढेर लगा दिया, ठीक है, जो दिखने में बहुत कमाल का लग रहा है। मतलब आप लोग देख रहे हो कितना सारा लग रहा है, वैसे कूलर में ना पता नहीं चल पा रहा था कि एक्चुअल में इसके अंदर है या खाली कूलर है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ से अभी इसको देखने में बहुत, मतलब इतने सारे कूलर, सारे के सारे कूलर अभी, एक सेकंड, किस ये बीफ है ना, ओके ये इसको छोड़ दो, ये अलग चीज है। उसके अलावा सारे के सारे, एक और किसी में बीफ था, ये कहाँ से आ गए 2 कूलर एक्स्ट्रा, ये मेरे को लग रहा है मिक्स बीच में से कहाँ से आ गए समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये सारे के सारे कूलर मैंने खाली कर लिए, कुछ मैंने वापस उसी में रखे हैं। तो ये 84 के अराउंड कूलर से अब जाकर ना इससे एक आइडिया लग जाएगा कि कितना हो रहा है एक्चुअल में। बस ये सारे ट्रैक हो, कुछ एक्स्ट्रा बाहर निकल रखे हैं वो उनको भी अंदर डाल देते हैं हम लोग, और एक बार चेक करते हैं। लैग बहुत ज्यादा कर रहा है गेम, क्योंकि इतना तो मतलब सेल करने का बनता नहीं था। ठीक है एक बार देखते हैं कि हमारे पास कितने सारे पाइनएप्पल हैं। ओके ओके 1,017 पाइनएप्पल थे यार, ये इतना तो मैंने सोचा नहीं था, मतलब 1,017 पाइनएप्पल, उसकी कॉस्ट है $30,510 सिर्फ और सिर्फ पाइनएप्पल से हमको मिल रहा है। तो अब ये काम करता है, इनको कर देते हैं हम लोग सेल। अभी मेरे पास है 5,859 डॉलर प्लस मतलब 11 सेंट बचे हुए। अब जाकर हम लोग इसको सेल कर देते हैं, सेल होने में भी टाइम लग रहा है, देख रहे हो इनका सॉफ्टवेयर हैंग कर दे सब कुछ हो गया इनका। $36,369 हमारे पास अभी हो चुके हैं, और अब जाके दोबारा लैग खत्म हो चुका है पूरा। तो सबका सब एक झटके में ऐसे साफ हो चुका है। 1,017 पाइनएप्पल यार, मतलब तगड़े लेवल पर काम किया था, इसीलिए मैं इतने टाइम से जमा कर रहा था कि ताकि एक बार में सेल करूं और सेल करके मजा ही आ जाए। तो फिलहाल अभी इसी के साथ आज के एपिसोड करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।